हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक पाकिस्तानी अमेरिकन डांसर नाडिया अली के बारे में। और एक डांसर होने के साथ साथ वो एक एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं 2015 से 2016 तक। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये सब अलाउड नहीं है तो उन्हें अभी पाकिस्तान से बैन कर दिया गया है और उन्हें ऑनलाइन मार दिए जाने की भी धमकी मिल चुकी है। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। नाडिया का जन्म एक मुस्लिम पाकिस्तानी अमेरिकन फैमिली में न्यू जर्सी में हुआ था। भले ही वो मुस्लिम थी लेकिन फिर भी वो हिजाब नहीं पहना करती थी। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि भले ही वो हिजाब नहीं पहनती है लेकिन फिर भी वो दिन में 5 बार प्रे करती हैं। और अपना फ्यूचर सेट करने के लिए आगे चल के उन्होंने आईब्रो थ्रेडिंग का बिजनेस शुरू करने की सोचा। लेकिन 2013 में उनके एक फ्रेंड ने उन्हें क्लब में एज ए डांसर काम करने के लिए कहा। और क्योंकि एक रात के उनको $500 मिल गए थे, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया। और 2015 में उन्होंने एज एन एक्ट्रेस इंडस्ट्री ज्वाइन की और वहाँ पे उन्हें हिजाब पहनने के लिए कहा गया क्योंकि इससे पब्लिक का रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़ जाता। जिसके बाद उन्होंने कई मूवीज़ में काम किया लेकिन इसके बाद से ही उन्हें पाकिस्तान से बैन कर दिया गया था। और तो और उन्हें ऑनलाइन धमकियाँ भी आने लगी थी, जिस वजह से 2016 में उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। और तो और उन्होंने सिर्फ 20 ही सीन्स पे परफॉर्म किया था। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।